हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर लिए थे, जो कि चार तरह के थे, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और इन्वर्जन। चारों को डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब उनसे रिलेटेड दो मेन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उससे भी ज्यादा मेन जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिलहाल तो हम जाने कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन भी हो रहा हो, रोटेशन भी हो रहा हो और मैग्निफिकेशन भी हो रहा हो, तीनों एक साथ हो रहे हो तो फिर उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, और अगर चारों ही एक साथ हो जाए, इसमें इन्वर्जन और जुड़ जाए तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वो। फिलहाल तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे हम, तो उसका फॉर्मेट इस तरह का होता है, W इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा, जहां पर अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर इस फॉर्मेट का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मैंने एक एग्जांपल भी लिया है इस तरह का, देखिए आप, डब्ल्यू इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा जेड प्लस टू माइनस आयोटा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। तो अगर इस फॉर्मेट का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है ना। उसके बाद हम दो खास एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सेकंड वाला तो ग्राफिकल मेथड की हेल्प से करेंगे, बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है। देखिए हम देखते हैं पहले तो इसको, तो ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन की हमने डेफिनेशंस क्या सीखी थी। ट्रांसलेशन को हमने सीखा था कि W इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा फॉर्मेट का होता है, मतलब जेड में कुछ ऐड करना है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां प्लस में आ जाएगा, वो ट्रांसलेशन का होता है। अब रोटेशन की बात करें तो W इज इक्वल टू, हमने सीखा था, e की पावर आयोटा अल्फा z, यहां पर अल्फा कोई भी एंगल हो सकता है, पाई बाई टू, पाई बाई थ्री, पाई बाई फोर, कितना भी, 60 डिग्री, जो भी एंगल होगा वो अल्फा होगा यहां पर। तो यहां अल्फा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, सिंपल एक एंगल है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है बस। मैग्निफिकेशन की बात करें अगर, तो मैग्निफिकेशन में हमने सीखा था कि ये होता है W इज इक्वल टू अल्फा इंटू जेड, मतलब यहां मल्टीप्लाई में आता है, यहां पर अल्फा जो है रियल नंबर होता है, तीनों में अल्फा के अलग अलग नोटेशन हैं, यहां पर अल्फा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पर अल्फा कोई एंगल आ रहा है और यहां पर अल्फा कोई रियल नंबर है। तो अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये कैसे बना, देखो आप, यहां पर अल्फा और बीटा दोनों के दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोले गए हैं, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये प्लस बीटा के कारण, प्लस बीटा के कारण, प्लस बीटा, बीटा बोलो अल्फा बोलो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड हो रहा है सिंपल में तो वो ट्रांसलेशन का एग्जांपल है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये अल्फा जेड हो रहा है, अल्फा जेड तो सीधा सीधा मैग्निफिकेशन का एग्जांपल होना चाहिए, तो रोटेशन तो यहां आया ही नहीं। ऐसा नहीं है, अगर अल्फा रियल नंबर होता तो केवल मैग्निफिकेशन होता, लेकिन अगर अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है यहां पर तो वो मैग्निफिकेशन और रोटेशन दोनों का मिक्स एग्जांपल हो गया। एक्चुअल में कैसे हो गया, देखो, अगर अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में किस तरह से हम अज्यूम करते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा फॉर्मेट का होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्मेट में, तो और अगर आपने यहां लिखा हुआ है डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा, इसका मतलब हो गया आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू जेड और प्लस में बीटा। अब आप ध्यान से देखो, ये आर मैग्नीट्यूड होता है, मतलब रियल नंबर होता है, थीटा यहां एंगल है, तो आर और जेड ये दोनों मिलकर के हो गए मैग्निफिकेशन। उसके बाद इससे ई की पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया रोटेशन, तो मैग्निफिकेशन प्लस रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन तीनों इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इस तरह के फॉर्मेट को हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मेट। अब हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे, ये एग्जाम्पल कह रहा है कंसिडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस एंड डिटरमाइन द रीजन इन द W प्लेन इन टू विच द रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड बाई द लाइन x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू टू इन द z प्लेन इज मैप्ड। हमें z प्लेन में एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, W प्लेन में क्या बनेगा ये हमें बताना है, ट्रांसफॉर्मेशन इसका यूज लेना है। तो मैं एक बार पहले डायग्राम बना देता हूं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा हमारे लिए। मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं, देखिए आप, ये जो लाइंस हैं बहुत सिंपल सी लाइंस हैं, x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, तो एक्सिस ही होती है, x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू टू, मान लो ये वन है, ये टू डिस्टेंस है,
ये वन डिस्टेंस है, तो x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू टू से मिलकर के इस तरह का रेक्टेंगल हमारे पास बनेगा। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, मैं यहां मार्क कर देता हूं 1 0 1 2। ये हमारे पास है x इज इक्वल टू वन लाइन, ये y इज इक्वल टू टू लाइन, ये x इज इक्वल टू जीरो और ये y इज इक्वल टू जीरो। इन चारों से बनने वाला रेक्टेंगल हमारे पास में है, इसकी मैपिंग हमें करनी है। मैं इन पॉइंट्स को मार्क भी कर देता हूं, ये ए पॉइंट मार्क कर देता हूं, इसको बी दे देता हूं, ये सी पॉइंट है मान लो और ये डी पॉइंट है। अब इन चारों पॉइंट्स को हमें जेड प्लेन में बनाना है, पॉइंट्स को क्या पूरे पूरे रेक्टेंगल को बनाना है वैसे तो। इन चारों लाइंस की मैपिंग डब्ल्यू प्लेन में किस तरह की आएगी वो चेक करने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन में डब्ल्यू की जगह यू प्लस आयोटा वी और जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रख के कंपेयर करके, जैसे कि हमने इन तीनों में सीखा था वैसे ही बेसिक अप्रोच का यूज करके हम लोग कर रहे हैं। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं और फिर यहां स्टार्ट करता हूं। देखिए आप, देखो ये मैंने यहां पर लिख दिया है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं W और Z की वैल्यूज रख करके, देखिए क्या आएगा आंसर। ये हो जाएगा U प्लस आयोटा V, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई और ये 2 माइनस आयोटा। तो U प्लस आयोटा V इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस में आयोटा एक्स और आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वाई लिख रहा हूं डायरेक्ट और ये टू माइनस आयोटा अपनी जगह पर। ठीक है, अब जरा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर ले ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए। यहां पर रियल पार्ट है एक्स माइनस वाई, जिसके पास आयोटा नहीं है वो सब रियल है, प्लस टू, और जिसके पास आयोटा है उसको इकट्ठा कर लो, इमेजिनरी बन जाएगा वाई और ये एक्स और ये माइनस वन। ठीक है, कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो u आएगा आपके पास x माइनस वाई प्लस टू और v आपके पास आएगा x प्लस वाई माइनस वन। ये हमारी इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू हो गई। अब इसके आगे बेटर ये है कि हम x और y की वैल्यूज निकाल लें। x और y निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप वन और टू इक्वेशंस को ऐड कर दोगे ना, वन प्लस टू करोगे, वन प्लस टू करते ही इस तरफ आ जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2x और ये प्लस वन, तो यहां से x मिल गया, या कह लो x में इक्वेशन आ गई, केवल x में, x में केवल या y में केवल इसलिए हम चाह रहे हैं क्योंकि केवल x और केवल y से रिलेटेड हमारे पास यहां पर वैल्यूज दी हुई हैं, तो हमें आंसर निकालने में काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। आप चाहो तो इसको यहीं छोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गई, ये सिंपल x में आ गई हमारे पास। y की निकालनी है आपको तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो आप, वन माइनस टू कर लो, x कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा u माइनस वी इज इक्वल टू, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस करने पर, माइनस वाई माइनस टू वाई और टू और ये माइनस माइनस प्लस वन प्लस थ्री हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फोर आ गई। हमारे काम की जो इक्वेशंस हैं वो ये दोनों ही हैं। अब देखो किस तरह से काम आएगी। फर्स्ट लाइन है हमारी, हमारे पास ए पार्ट है कि हमें x इज इक्वल टू जीरो का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फिर y इज इक्वल टू जीरो का, फिर x इज इक्वल टू वन का, फिर y इज इक्वल टू टू का। इन चार चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है। तो किस तरह से होगा, x इज इक्वल टू जीरो आप यहां पर रख दो, यहां रखोगे तो u प्लस वी इज इक्वल टू जीरो प्लस वन वन, y इज इक्वल टू जीरो आप यहां पर रखो, यहां है y, तो ये हो जाएगा हमारे पास u माइनस वी इज इक्वल टू थ्री। एक्स इज इक्वल टू वन आप एक बार यहां रखो, तो वन रखोगे तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, तो ये बनेगा u प्लस वी इज इक्वल टू थ्री। और लास्ट y की वैल्यू टू यहां पर रख दो आप, तो u माइनस वी आएगा माइनस फोर, टू रखने पर माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन आ जाएगा। तो ये हमने चारों चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया है, बस अब इन चारों को हमें प्लॉट करना है। चारों को प्लॉट करेंगे हम w प्लेन में, आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से प्लॉट करना है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। यहां बनेगा हमारा डब्ल्यू प्लेन, ये u है, ये v है, यहां थोड़े मार्क कर देते हैं हम, ये वन ये टू ये थ्री, ये वन टू थ्री वन टू, ये आप एकदम परफेक्ट मेजर करके बनाओगे तो एकदम अच्छा से बनेगा। फिलहाल तो थोड़ा हम काम चलाने के हिसाब से बना रहे हैं, तो ये मैंने मार्क कर दिया है। अब देखिए ये लाइन बनानी है, u प्लस वी इज इक्वल टू वन, u प्लस वी इज इक्वल टू वन लाइन होती है इस तरह की, ये लाइन होगी u प्लस वी इज इक्वल टू वन। तो ये मैं एक बार लिख ही देता हूं,
ताकि ध्यान रहे, y इज इक्वल टू जीरो लाइन, u माइनस v इज इक्वल टू थ्री, ये इस तरह की लाइन है, ये यहां से जाएगी। आप आराम से लाइन ले लें, दो पॉइंट्स बना करके आराम से लाइन की इक्वेशन प्लॉट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये लाइन होगी दूसरी, तीसरी है u प्लस v इज इक्वल टू थ्री, u प्लस v इज इक्वल टू थ्री, इस तरह की लाइन होगी जो थ्री और थ्री से जा रही होगी, ये होगी u प्लस v इज इक्वल टू थ्री, और लास्ट y इज इक्वल टू टू से रिलेटेड ये आएगी इस तरह की लाइन, ये लाइन है। तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि एक रेक्टेंगल बन गया, ये और ये हमारा रेक्टेंगल तैयार हो गया। इसमें y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो लाइन u माइनस v इज इक्वल टू थ्री वाली थी, ये y इज इक्वल टू जीरो का ट्रांसफॉर्मेशन मिला है हमें। तो मतलब ये पॉइंट हमारा हो गया a पॉइंट, ये हो गया हमारा b डैश, ये हो गया c डैश, और ये पॉइंट मिलेगा हमें d डैश। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे ये लाइन हमारी लास्ट लाइन थी u माइनस v इज इक्वल टू माइनस वन, जो y इज इक्वल टू टू से रिलेटेड थी, तो y इज इक्वल टू टू से रिलेटेड c और d बन रहे हैं, c डैश d डैश हमने लिए हैं, तो इसके ये ट्रांसफॉर्मेशन हुए। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो एक तो ये रोटेशन हुआ है यू हो गया, दूसरा इससे बड़ा भी दिख रहा है ये थोड़ा सा डायग्राम, तो रोटेट भी हुआ है, मैग्नीफाई भी हुआ है, ट्रांसलेशन तो हुआ ही है, ये शिफ्ट हुआ है इधर और नीचे, तो ट्रांसलेशन रोटेशन और मैग्नीफिकेशन तीनों यहां से हुए हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल से इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं था, जैसे हम ट्रांसलेशन रोटेशन और मैग्नीफिकेशन में प्रोसेस करते थे क्वेश्चन को, उसी तरीके से इसमें किया है, फाइनल आंसर आ गया है। अब मैं एक खास एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल, जिसमें हम ग्राफ की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन रहा है ये निकालना सकेंगे। अभी तक तो हमने क्या देखा है कि जेड प्लेन में कुछ डायग्राम दे रखा है हमें, मैपिंग दे रखी है, और डब्ल्यू प्लेन में बना के बताना है क्या बनेगा। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें जेड प्लेन में क्या है वो दिया हुआ है, डब्ल्यू प्लेन में क्या बनने वाला है वो भी दिया हुआ है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू बतानी है, तो कैसे करें और ग्राफ की हेल्प से कैसे करें स्पेशली। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, डिटरमाइन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द रेक्टेंगल z10, z21 by 2, z3 iota and z4 1 by 2 plus iota onto the rectangle, ये W plane वाला rectangle है। तो z plane वाला rectangle के actually ये vertices दे रखी हैं, शीर्ष दे रखे हैं, किस तरह के हैं देखिए आप, जैसे z1 is equal to 0 की बात करें तो ये है z1 is equal to 0 plus iota 0 है actually, जिसका मतलब हो जाएगा point format में 0,0, z2 हो जाएगा 1 by 2 plus iota 0 जो हो जाएगा 1 by 2,0, Z3 की अगर बात करें तो ये 0 प्लस आयोटा है जो कि 0,1 हो जाएगा, और Z4 की अगर बात करें तो ये 1 बाई टू प्लस आयोटा होने के कारण 1 बाई टू कॉमा वन पॉइंट हो जाएगा। सेम W के लिए, तो W1 की अगर बात करें तो W1 है 0 प्लस आयोटा, दैट मीन 0,1, W2 की बात करें तो ये है 0 प्लस टू आयोटा, दैट मीन 0,2, W3 की अगर बात करें, W3 यहीं से डायरेक्ट देख लीजिए आप, माइनस टू कॉमा वन हो जाएगा, माइनस टू कॉमा वन हो जाएगा, और W4 की अगर बात करें तो ये माइनस टू कॉमा टू हो जाएगा, तो माइनस टू कॉमा टू, ये चारों मैंने बना दिए हैं Z में भी और चारों W में भी। इसको एक बार प्लॉट करते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया लगेगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसको खास है काफी ज्यादा क्वेश्चन, अगर मैं जेड प्लेन में इसको प्लॉट करता हूं तो हमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, वन बाई टू और वन इस तरह के, तो मैं वन यहाँ ले लेता हूँ, ये टू ले लेता हूँ, ये वन हो गया, ये टू हो गया, यहाँ पर ये वन हो गया और ये टू हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमें जीरो कोमा जीरो पॉइंट चाहिए, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक हमें चाहिए वन बाई टू कोमा जीरो, वन बाई टू कोमा जीरो यहाँ मिलेगा, एक हमें चाहिए जीरो कोमा वन, जीरो कोमा वन यहाँ मिलेगा, सॉरी जीरो कोमा वन यहाँ मिलेगा, और हमें चाहिए लास्ट 1 बाई टू कॉमा वन, वन बाई टू कॉमा वन यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये 1 बाई टू है तो ये 1 बाई टू कॉमा वन यहाँ हो जाएगा। मैं इसको एक बार बना देता हूँ, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, ये है Z1, ये है Z2, ये Z4 है और Z3 यहाँ पर है, इस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने सारा का सारा। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है, तो क्या करना है एक बार मैं लिख दूं यहां पर, बना दूं इसको कि क्या लाना है हमें,
ये जीरो, ये वन ले लेते हैं, ये टू ले लेते हैं, ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, थोड़ा सा और लेते हैं, यहाँ कहीं माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस टू तक जाना है इसलिए मैंने ये बनाया है। अब देखिए क्या बन रहा है ये एक तो 0.1, 0.1 ये वाला पॉइंट है जिसको मैं W1 मार्क कर देता हूं, 0.2 ये पॉइंट है जो कि W2 है, -2.1 ये पॉइंट हो गया, ये W3 हो गया, और W4 -2.-2 यहां पर आएगा, ये W4 हो गया। आप नोटिस करेंगे कि रेक्टेंगल हमें मिल चुका है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया फाइनल। मैं इसको मिटा करके ब्लू कर देता हूं ये। अब थोड़ा ध्यान दें, अगर यहां से यहां तक पहुंचना है तो देखिए क्या क्या करना होगा हमें। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, जगह हमें तो कम है थोड़ी सी हमारे पास। सबसे पहला काम तो इसको रोटेट करना पड़ेगा, ये जो यू है ये हमें यू नहीं चाहिए, ये हमें यू चाहिए। आप देखो ये यू है रेक्टेंगल, तो ये यू चाहिए, तो हमें इसको 90 डिग्री घुमाना है, इसको 90 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री रोटेट करने के लिए। रोटेशन अगर 90 डिग्री करना है तो e की पावर आयोटा पाई बाई टू लगाना पड़ेगा। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई बाई टू जेड। इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से रोटेशन हो जाएगा, और रोटेशन होकर के क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा उस केस में इस तरह का कुछ, ये यू रोटेट होकर के आ गया, ये हमारे पास 1/2 है, ये 1 है, और ये एक्स और ये वाई, और ये 1 हो गया, ये इस तरह से हो गया रोटेट होके। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये आया, अब हमारे पास यहां तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद का काम क्या है, यहां से यहां पहुंचने के लिए सबसे पहली बात तो देखो, इसकी ये साइड एक डिस्टेंस जितनी बड़ी है, ये साइड दो डिस्टेंस जितनी बड़ी है, इसकी लंबाई एक है, इसकी लंबाई दो है। यहां पर देखो इसकी लंबाई आधी है और इसकी लंबाई एक है, तो आधे का डबल एक हो जाएगा और एक का डबल दो हो जाएगा, एक का डबल दो, तो कहने का मतलब मैग्निफाई किया हुआ है, दुगना किया हुआ है उसको, जस्ट डबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहां बना देता हूं। जस्ट अगर डबल कर रहे हैं तो ये इस तरह का बनेगा, देखो 0 और 1/2 की जगह 0 और 1 हो जाएगा, ये इस तरह का बन जाएगा, ये हो गया -2 जो कि -1 पे था, ये -1 यहां रह गया, ये हाफ था, ये हो गया 1, तो हमने इसको डबल कर दिया जस्ट, ये एक्स और ये वाई। अब कम से कम ये और ये बराबर हो गए एटलीस्ट साइज में, अभी भी एकदम सेम नहीं पहुंच पाए हैं हम, लेकिन एटलीस्ट यहां से यहां तक साइज में बराबर हो गए। अब यहां से यहां तक हमने मैग्निफिकेशन किया है, तो यहां से यहां तक पहुंचने की जो जर्नी है वो है W इज इक्वल टू जो हमारे पास पहले था उसका डबल, उसका डबल मतलब 2 टाइम्स ई की पावर आयोटा पाई बाई टू जेड, ये हमने किया, इसका डबल करते ही हम यहां तक पहुंच गए। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, ये 0 और 1 पे है, ये 1 और 2 पे है, आप नोटिस करो इसको जस्ट ऊपर किसका आया हुआ है और कुछ नहीं, ट्रांसलेशन करना है ऊपर किसका आया हुआ है। अभी तक हमने सिर्फ रोटेशन किया, उसके बाद यहां से हमने मैग्निफिकेशन किया, अब एक लास्ट काम बचा है ट्रांसलेशन। ऊपर एक स्टेप ऊपर लेके जाते ही हम यहां तक पहुंच जाएंगे, एक स्टेप ऊपर लेके जाने का ट्रांसलेशन क्या बनेगा, मेन मुद्दा ये है। पुराना तो हम पहले लिखे, पुराना हमारे पास ये है 2 × e की पावर iota π/2 z। अब इसमें क्या जोड़ें कि हम एक स्टेप ऊपर बन जाए, देखो जोड़ने का तो बहुत सिंपल पैटर्न है, ये वाला पॉइंट हम चाह रहे हैं यहां पर मिल जाए, ये पॉइंट है हमारे पास 0.0 और हमारे पास ये पॉइंट है 0.1, तो इसका मतलब 0 इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें चेंज हुआ है, तो हम अगर इसमें आयोटा जोड़ दें, क्योंकि आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा का मतलब होता है 0.1, अगर मैं इस 0.0 में 0.1 जोड़ दूं तो जोड़ने पर यहां तक पहुंच जाएंगे। आयोटा शिफ्ट किया है, आयोटा शिफ्ट का मतलब ऊपर एक स्टेप लेके गए हैं हम इसको, तो यहां तक हम फाइनली इस डायग्राम से यहां पर पहुंच गए हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो e की पावर आयोटा पाई बाई टू को, तो आप कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, e की पावर आयोटा थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो e की पावर आयोटा पाई बाई टू हमारे पास आएगा कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू होता है 0 और आयोटा साइन पाई बाई टू होता है 1, तो ये अल्टीमेटली आयोटा ही बना। तो फाइनल हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन
आया वो आया W इज इक्वल टू टू, इसकी जगह आप आयोटा लिख सकते हो, टू आयोटा Z प्लस आयोटा। ये हमारे पास फाइनल मैपिंग आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो इस मैपिंग का यूज करके इस डायग्राम को हम ऐसा बना सकते हैं W प्लेन में। तो ये दो खास एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। मेन जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने लायक हैं वो तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे हैं, लेकिन समझने के लिए कुछ खास क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एग्जांपल नंबर टू, जिससे हमें थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू कैसे मैपिंग हो रही है ये थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक।